हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? और आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं कहीं जाने की तैयारी कर रही हूं और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या क्या रखूं। ये देखिए सारे कपड़े जो है बिखरे हुए, बैग पूरा ये फुल हो गया है और ये दूसरा बैग भी फुल हो गया है। उसके बावजूद मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि मैं और क्या रखूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो समझ में नहीं। बारिश का मौसम है इसलिए कपड़े ज़्यादा ले जाने पड़ेंगे। वहाँ जाने के बाद मौसम ठीक है या नहीं है, बच्चे हैं तो दो चार कपड़े मुझे एक्स्ट्रा रखने होंगे। और इसकी वजह से मुझे बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या कपड़े रखूँ। तो देखती हूँ कि अभी क्या रखती हूँ। कपड़े तो मैंने बहुत सारे, हाँ बोलो, अगर हम बारिश में कहीं जाते हैं तो दो चार कपड़े एक्स्ट्रा रख लेते हैं। और आज मुझे देखिए, मैं बिल्कुल सुबह से मैंने चेहरे पे कोई मेकअप नहीं किया है, ऐसे ही सिर्फ खाना बनाने के बाद सबको लंच करा दी हूँ और फिर मैं पैकिंग करने चली आई थी। हेल्प छवि भी कर रही है, देखिए हाँ ये वहाँ पहनोगी। छवि भी सजेस्ट कर रही है कि मम्मा आप ये सारे कपड़े रख लीजिए, वो भी मुझे दे रही है कि ये रख लीजिए ये रख लीजिए। पर पूरा बैग जो है पूरा फुल हो गया है, आप देख रहे हैं। ये देखिए, सफ़र में जाइए तो कम, जितने कम से कम लगेज लेके जाइए उतना अच्छा होता है। पर बच्चे हैं और जान रहे बरसात का मौसम है, तो मैं एक्स्ट्रा कपड़े लेके जा रही हूँ। इसकी वजह से दो बैग, बड़े बड़े बैग हो गए हैं, दो बड़े बड़े बैग हो गए हैं। और देखिए सफ़र में क्या होता है, तो आप गेस करिएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं अभी नहीं बताऊँगी आपको, आप आगे वीडियो में बने रहिएगा, आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और ये देखिए सारे बच्चे जो हैं, और दीदी हमारी जो है वो मशीन लेके बैठी हैं, जितना सारा कपड़ा है ना फटा वगैरह वो सब सिल गई है, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ, मैं सिलती नहीं हूँ। वो आई है तो मैंने सारे कपड़े उसे दे दिए, दीदी तुम बैठ के सिलो। ये देखिए, और छोटी सिस्टर यहाँ बैठी है, दी हाय बोलो। दीदी मेरी बहुत शर्माती है, आप लोग से बात नहीं कर पाती है, ये देखिए। तो हम सभी ने लंच कर लिया है और बस यही तैयारी हो रही है। इन लोग को पैकिंग तो करनी नहीं है, क्योंकि वो अपना जो लेके आई हैं वही ले जाएंगी, मुझे ही करना है। तो मैं कर रही हूँ अभी। आज तीन दिन से मुझे सरप्राइज पे सरप्राइज मिले जा रहा है, दो सरप्राइज़ मिल गया, एक अभी मिलने वाला है, वो आ रहा है। वो जैसे आ जाएगा मैं वो आपको दिखा दूँगी। और मैं बहुत खुश हूँ, जहाँ जा रही हूँ बहुत ही अच्छा लगेगा, हम बहुत। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये देखिए पूरी अलमारी जो है वो खाली हो गई है, पूरे कपड़े मैंने बैग में रख लिए हैं। सिर्फ बरसात की वजह से पूरे कपड़े मैं ले जा रही हूँ, वरना अगर बारिश नहीं होता तो मैं कम कपड़े ले जाती। बारिश की वजह से ही मैंने सारे कपड़े रख लिए हैं। बस जो अलमारी में है वो बेडशीट वगैरह है और थोड़े से जो बच्चे डेली यूज़ करते हैं कपड़े वो हैं, बाकी सारा मैंने बैग पैक कर लिया है। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको खिला देती हूँ, ये लीजिए खाइए पिज्ज़ा, फिर बाकी लोग को दूंगी। कैसा है आप? कौन कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा? बात कर रहे हैं वहाँ पे सब लोग ऐसे। हाँ दे देती सर। तो मैंने सभी को पिज्ज़ा दे दिया, एक एक स्लाइस मैंने पिज्ज़ा दे दिया है। और अभी शाम के 5:30 हो रहे थे। ये देखिए मैंने आज ये वाला सूट पहना है, ये वाला सूट तो पहना तो है। देखिए और हम कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। रिशु जरा रिशु को देखिए कितना, मैं बारी बारी से सबका लुक आपको दिखाती हूँ, कौन कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं दिखाती हूँ आपको पहले रिशु को, और रुपेश को देखिए, ये देखिए। परी, छवि, हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। तो अभी मैं निकल गई हूँ, ऑटो घर पे आया था और आधे लोग एक ऑटो में आए थे और आधे लोग दूसरे ऑटो में आए थे, क्योंकि हम ज़्यादा लोग थे तो एक ऑटो में नहीं आते, इसलिए हमने दो ऑटो मंगवाई थी। और हम अभी स्टेशन पर जा रहे हैं। हमारी जो टिकट है वो 12:30 बजे की है, गोरखपुर की टिकट है हमारी, तो हम जा रहे हैं अभी। तो ये जो एरिया दिख रहा है फ्रेंड्स, ये बस स्टैंड है और अब हम कैंट आ गए हैं।
और मैं बहुत खुश हूँ। मैं जहाँ जा रही हूँ, मैं बहुत दिनों बाद जा रही हूँ, कम से कम मुझे 1-1.5 साल हो गए हैं वहाँ गए हुए, तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश थे और दीदी के बच्चों के साथ मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे, और एक साथ हम जा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हम एक साथ कहीं जाएं, पर ये संजोग ही है कि मतलब दीदी आई और दीदी के साथ मैं जा रही थी, और छोटी सिस्टर तो अपनी गाड़ी से जाएगी, और एक और बनारस में जो मेरी सिस्टर रहती है वो दोनों एक साथ आएंगी, और मैं दीदी एक साथ जा रहे हैं। तो अभी हम कैंट पहुंच गए हैं, और मैंने जो ये सूट पहना है ना, मैंने मीशो से मंगाया है, और बहुत लो प्राइस में मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी मिल गई है। कपड़े का जो मटेरियल है बहुत अच्छा है। मैंने सोचा कि मैं पहले एक मंगा के देखती हूँ, अगर अच्छा निकलेगा तो मैं और मंगाऊँगी। तो अभी हम पहुँच गए हैं कैंट, और 12:15 बजे हम कैंट पहुँच गए थे, और 12:30 बजे हमारी ट्रेन थी, वो मतलब 15 मिनट लेट थी ट्रेन इसलिए। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको, कैंट पे बहुत बड़ा फ़ैन लगा हुआ था, तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ भी ये शेयर कर दूँ। तो अभी हम जा रहे हैं, अभी हमारा जो लगेज है वो चेक होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है लगेज चेक हो रहा है, उसके बाद ही हमको एंट्री अंदर मिल रही है। जितने भी मतलब वहाँ पर पैसेंजर थे सबका लगेज चेक हो रहा था, तो अभी लगेज चेक हो गया है। हम दूसरे साइड से, हस्बैंड और बच्चों ने बैग उठा लिया है, बच्चों ने तो छोटा छोटा ही टिकट ध्यान से रखिएगा, टिकट लिया ना बोले, टिकट का ध्यान दीजिएगा। हाँ, और लगेज भी गिन लीजिएगा एक बार। तो अभी हम आ गए स्टेशन पे, फिर देखिए हम सब लोग स्टेशन पे आ गए हैं, और तो अभी हमें सीट मिल गई है, और छवि जो है अपनी सीट पे आ गई है। छवि के साथ मैं हो लूँगी, बाकी सबको अपनी अपनी सीट मिल गई है। हमें सीट पास पास नहीं मिली थी, थोड़ी दूर मिली थी, पर आस पास ही थी, हम एक दूसरे को देख सकते थे। तो मैं अभी नीचे बैठी हूँ, जब मुझे नींद आएगी तो मैं चली जाऊँगी अपनी सीट पर सोने के लिए। और यहाँ काफ़ी अंधेरा था इसलिए पूरा क्लियर नहीं दिख रहा था। तो अभी मैं मिलूँगी आप लोग से सुबह में। और ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम गोरखपुर छावनी पहुँच गए हैं। ये समय हो रहा है शायद 7:30 हो रहा था इस समय, और हम गोरखपुर छावनी में जो ट्रेन है वो रुकी थी। तो मैंने यहाँ का थोड़ा सा वीडियो बना लिया, और मैं बहुत खुश भी थी कि मैं यहाँ तक आ गई हूँ, और सुबह भी हो गया था, हमने चाय पी लिया है। अभी मैं ये गोरखपुर, जब गोरखपुर आइए गोरखपुर छावनी से, तो वहाँ एक छोटी सी नदी पड़ती है, तो ये वो है, ये ब्रिज है वहाँ का। और अभी हम गोरखपुर स्टेशन पहुँच गए हैं, और जितना मतलब करीब आ रही हूँ मैं ना, उतनी मुझे बहुत खुशी हो रही है। और ये देखिए, ये मास्क नहीं लगाई है, देखिए लगा रही है अब, देखिए अब मास्क लगाने जा रही है। और हम गोरखपुर स्टेशन पर पहुंच गए हैं अभी मैं, और अब प्लेटफार्म पर हम का ट्रेन जो है वो रुक गया, हम जा रहे हैं उतरने, और मिलती हूँ आप लोग से। ये देखिए और अभी मैं गोरखपुर में उतर गई हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे चेहरे से आप लोग को पता चल रहा होगा कि मैं कितनी खुश हूँ। और अभी हम जा रहे हैं बाहर, और हस्बैंड और जीजा ने मिलके सारे लगेज जो हैं वो बाहर निकाल लिए थे, और बच्चे भी बहुत खुश थे, वो तो बड़े वाले लगेज लेके जा रहे थे कि मैं पकड़ूँगा, पर बच्चों को मैंने छोटा वाला ही लगेज दिया था, बाकी जीजा और हस्बैंड ने उठाया था। तो अभी हम ये शायद प्लेटफॉर्म 2 या 3 पे गाड़ी रुकी थी,
तो हम ब्रिज पे गए, ब्रिज से फिर हम बाहर आ गए थे, स्टेशन के बाहर आ गए थे और छत से ये देखिए पूरा व्यू गोरखपुर स्टेशन का, चारों तरफ ट्रेन ही ट्रेन दिख रही है। और मैंने मास्क निकाल दिया है क्योंकि सुबह का समय था और मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, पूरी रात मैंने मास्क लगाया था इसलिए थोड़ा सा मैंने मास्क निकाल दिया था, फिर मैंने मास्क दोबारा लगा लिया। और अभी मैं हस्बैंड नीचे आ गए हैं और मैं बाहर जा रही हूँ अभी। फ्रेंड्स आगे के वीडियो में बने रहिएगा, इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा कि मैं गोरखपुर से कहाँ गई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।